सो हैलो एवरी वन वेलकम टू द वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जॉर्ज फ्रीजर ठीक है तो इस वीडियो में हम क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म की बात करेंगे देखिए क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के जो पास्टुलेट्स थे जो क्लासिकल एवोल्यूशन एवोल्यूशनिज्म के जो बेसिक्स थे वो हमने पिछली वीडियोज में डिस्कस कर लिए थे ठीक है देन हमारा जो सिलेबस है वहाँ पे क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म तीन लोगों के हिसाब से तीन लोगों के जो प्रस्पेक्टिव से समझाना है पहले हैं आपके पास टाइलर दूसरे हैं आपके पास मॉर्गन और तीसरे अब हम करने वाले हैं जेम्स फ्रेजर ठीक है तो इन तीन लोगों के प्रस्पेक्टिव से हमें क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म को समझाना था चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द दर्स्पेक्टिव ऑफ जेम्स जॉर्ज फ्रेजर सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज एन आर्म चेयर्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट देखिए टाइलर ने भी फील्ड वर्क किया है ठीक है टाइलर का फील्ड वर्क इतना साइंटिफिक नहीं था क्योंकि तब आपके पास मैथडोलॉजीज और टूल्स इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे ठीक है मॉर्गन ने भी जो अमेरिकन uh, इंडियंस हैं वहाँ पे काम किया था ठीक है उनके बीच में फील्ड वर्क उन्होंने भी किया है लेकिन जो जेम्स फ्रेजर हैं जेम्स फ्रेजर ही वॉज एन आर्म चेयर्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट देखिए जो आपके पास क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट थे ऐसा नहीं है कि इन्होंने कभी भी फील्ड वर्क नहीं किया था बट जो टेक्निक्स हैं फील्ड वर्क की जो फंक्शनलिज्म के बाद डेवलप हुई हैं वो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म के पीरियड में पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं थी तो इनके फील्ड वर्क को साइंटिफिक नहीं कहा जा सकता जो इनका फील्ड वर्क था वो इतना ज्यादा बढ़िया से इन्होंने प्राइमरी डाटा कलेक्ट नहीं कर पाए थे ठीक है लेकिन इन्होंने फील्ड वर्क जरूर किया था बट ऑन अदर हैंड जेम्स फ्रेजर ये पूरी तरह आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ठीक है कि इन्होंने सेकेंडरी डाटा के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई किया था सेकेंडरी डाटा का मतलब ट्रेवलॉग्स बुक्स ये क्या करते थे ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ को लेटर्स लिखते थे क्रिश्चियन मिशनरीज़ को लेटर लिख के इन्फॉर्मेशन मंगवा लेते थे उस इन्फॉर्मेशन के आधार के ऊपर जो अपनी हैं उन्होंने थ्यूरीज जो हैं वो डेवलप की हैं ओके जेम्स फ्रेज़र इनकी किताबें बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए एक इंस्पिरेशन का साधन साबित हुई है ठीक है इवन मलिनोस्की वॉज वन ऑफ दैम मलिनोस्की की खास बात क्या है कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर ही गॉट स्टक इन दईलैंड वहां पे ये पोलिनेशियन आइलैंड्स वहां पे ये स्टक हो गए थे ठीक है तो वहां पे इनको बहुत ज्यादा टाइम मिल गया फील्ड वर्क करने का वहां पे रहते हुए ही ट्राइड मैनी थिंग्स मैनी टूल्स एंड फाउंड दैट वॉट आर द बेस्ट टूल्स टू डू द फील्ड वर्क ताकि जो उनकी रियलिटी है कल्चर रियलिटी है प्रमिटिव सोसाइटीज़ की वो जानी जा सके ठीक है एनी वेज ये कहानियाँ एक तरफ हम फोकस करते हैं जेम्स जॉर्ज फ्रेज़र के ऊपर ठीक है तो जेम्स जॉर्ज फ्रेज़र ने ये किताबें लिखी गोल्डन बॉ सबसे बड़ी सीरीज थी एंड इट इज़ कॉल्ड द ट्रेजर ऑफ ह्यूमिटी ठीक है अठारह सौ नब्बे उन्नीस गोल्डन बॉज जो है वो प्रिंट हुए हैं फिर उसके बाद साइकीस टास्क साइकीस टास्क 1909 और 1928, टोटम एंड एक्जोगेमी 1910, उसके बाद द बिलीफ ऑफ इमोटेलिटी एंड वर्शिप ऑफ डेड 1913, 1924, देन फोकलोर इन द ओल्ड टेस्टिमेंट नाइनटीन वर्शिप ऑफ नेचर 1926, Myth and मिथ एंड आफ्टर मैथ नाइनटीन ठीक है तो ये जो सारी किताबें हैं ये आपके पास जेम्स जॉर्ज फ्रेजर ने लिखी हैं ओके सो ही ऑल्सो यूज कंपेरेटिव मैथड इन्होंने भी कंपेरेटिव मैथड यूज़ किया अगर आपको ये नहीं पता कि कंपेरेटिव मैथड होता क्या है तो आप पिछली वीडियो देखिए ठीक है स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने बहुत प्रिसाइज़ली बहुत कंप्रीहेंसिवली समझाया है कि कंपेरिटिव मेथड होता क्या है ठीक है फॉर हिज यूनिवर्सल स्कीम ताकि एक यूनिवर्सल स्कीम बनाई जा सके देखिए जो आपके पास एवोल्यूशनिस्ट थे एवोल्यूशनिस्ट का मानना था कि जो आपके पास एंथ्रोपोलॉजी है इट इसका जो मेन एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये एक लॉ यूनिवर्सल लॉ बना सके ठीक है आपको यूनिवर्सल लॉ के लिए स्ट्राइव करना चाहिए ताकि एक कल्चर के लिए कल्चर कैसे डेवलप होता है कल्चर कैसे स्प्रेड होता है कल्चर कैसे काम करता है एक यूनिवर्सल लॉ बनाया जा सके ताकि आप उस लॉ को किसी और कल्चर के ऊपर अप्लाई करो परमेटिव कल्चर्स के ऊपर अप्लाई करो और प्रमेटिव कल्चर्स को समझने की तकनीक आपको टेक्निक आपको मिल सके ठीक है तो ये आपके पास कल्चरल एवोल्यूशनस का मानना था और उसके लिए वो यूज़ कर रहे थे कंपेरेटिव मेथड ठीक है एक यूनिवर्सल स्कीम को बनाने के लिए और जो डाटा है जेम्स फ्रेजर वो डाटा कहां से कलेक्ट करते थे प्राइमरली ही वाज कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्सेज लाइक क्रिश्चियन मिशनरीज क्रिश्चियन मिशनरीज को चिट्ठी लिखते थे कि अच्छा यहाँ ये ये चीज़ों के लिए मुझे डाटा चाहिए ठीक है और ये डाटा दे देते थे दैन कलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स ट्रैवलॉग्स ट्रैवलॉग्स मतलब जो बुक्स वगैरह लिखते हैं जो ट्रेवलर्स होते हैं वो किताबें लिखते हैं सेकेंडरी डाटा में दिक्कत क्या है सेकेंडरी डाटा में ये दिक्कत है देखिए जो ट्रेंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है उस एंथ्रोपोलॉजिस्ट को सबसे पहले ट्रेन ऐसे किया जाता है कि जो उसकी अपनी प्रेजडाइसिस हैं जो उसकी अपने धारणाएं हैं जो उसका अपना बिलीफ सिस्टम है उसको परे रखा जाए जब आपने फील्ड में जाना है तो आप अपनी जो धारणाएं हैं अपने जो प्रसैप्शन हैं वो आप अलग रखेंगे यू विल जस्ट स्टडी द कल्चर फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द इनहेबिटेंट्स जिनको आप स्टडी कर रहे हो उनके ही प्रस्पेक्टिव से आपने चीजों को समझना है ठीक है तो इस तरह से एंथ्रोपोलॉजिस्ट को पढ़ाया जाता है उसको ट्रेन किया जाता है लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज के पास ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है वो जो आपके पास प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं उनको बैकवर्ड मानते हैं उनकी जो प्रिजिस हैं जो भी उन्होंने लेटर्स लिखे जेम्स फ्रेजर को उन्होंने जो प्रमेटिव सोसाइटीज हैं उनको बैकवर्ड बताया उनको प्रमेटिव बताया उनको इरेशनल बताया ठीक है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स का भी यही मानना था ट्रैवलॉग्स का भी यही मानना था ठीक है मैन देर आर मैनी ट्रैवलॉग्स जो कि मुग़ल पीरियड में लिखे गए हैं और उन्होंने मुग़ल इंडिया को हमारे कल्चर को नहीं डिफाइन किया बल्कि बैकवर्ड लिखा है मतलब उन्होंने हमारी जो सिटीज़ हैं उनको भी वॉर कैंप्स की तरह लिखा है कि जो सिटीज थी देवर लाइक वॉर कैंप्स जो मार्केट थी दे नॉट परमानेंट दिस एंड दैट उन्होंने कुछ समझने की कोशिश ही नहीं की है ठीक है चलिए सो so, उन्होंने उनकी जो एवोल्यूशनरी स्कीम थी वो क्या थी मैजिक सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेवेजरी से आप बढ़ते हो बारबेरिज्म की तरफ बारबेरिज्म से आप बढ़ते हो सिविलाइजेशन की तरफ सेवेजरी में आप यूज़ कर रहे होते हो मैजिक को फिर उसके बाद बारबेरिज्म में रिलीजन डेवलप होता है और सिविलाइजेशन में साइंस डेवलप होती है। इसके पीछे थ्यूरी क्या, क्या थी उनकी जो पहली स्टेज थी मैनकाइंड की इट वाज अ स्टेज ऑफ मैजिक मैनकाइंड मैजिक के ऊपर डिपेंडेंट था मैजिक के ऊपर क्यों डिपेंडेंट था मैनकाइंड देखिए फ्रेजर का मानना था कि आदमी इंसान जो है वो हमेशा चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है आदमी के पास हमेशा ये इच्छा है कि जो उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हों उसको वो कंट्रोल करके रखे तो इस कंट्रोल करने के क्वेस्ट में वो कुछ लॉज बनाता है ठीक है कुछ वो प्रिंसिपल्स क्रिएट करता है कुछ वो रैशनैलिटी क्रिएट करता है कि मैं ये जो मेरे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं मैं इनको कंट्रोल कैसे कर सकूँ ठीक है वो जो लॉज हैं वो किस तरह से बनते हैं देर आर टू लॉज लॉज ऑफ सिमिलैरिटी इसका प्रिंसिपल क्या है दैट द लाइक प्रोड्यूस लाइक इसको होम्योपैथिक मैजिक भी कहते हैं इमिटेटिव मैजिक भी कहते हैं यानी कि अगर आपको वर्षा करवानी है तो स्प्रिंकल्स हम वाटर ठीक है तो वर्षा होनी स्टार्ट हो जाएगी तो इस तरह के कुछ जो लॉज हैं दे आर नोन एज द होम्योपैथिक मैजिक और द इमीटेटिव मैजिक एंड देयर इज अनदर वन कॉल्ड द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है द प्रिंसिपल इज दैट वन वंस अगर आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट में आ गए वंस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज इन कॉन्ट्रैक्ट ठीक है अगर आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हमेशा कॉन्टैक्ट में रहोगे ठीक है तो अगर आपके बाल काट लिए जाएं या फिर कुछ भी इस तरह का किया जाए फिर बालों को कुछ कर दिया जाए तो आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ भी ऐसा ठीक है सो दीज टू लॉज दे वर प्रोमिनेंट इन दी फंक्शनिंग ऑफ मैजिक तो मैजिक की फंक्शनिंग में ये दो जो लॉज हैं वो बहुत प्रोमिनेंट रहे थे और इनकी बदौलत जो मैन है जो इंसान है जो अर्ली मैन है वो नेचर को कंट्रोल करना चाहता था क्योंकि मैन इंसान के अंदर हमेशा ये चेष्टा रही है हमेशा ये ख्वाब रहा है कि वो चीज़ों को कंट्रोल कर सके ठीक है तो जो प्रैक्टिशनर्स थे प्रैक्टिशनर्स ऑफ दीज लॉज देवर नोन एज मैजिशियंस और ये जो परफॉर्म करते थे उसको कहा जाता था मैजिक ठीक है दूसरी स्टेज में दूसरी स्टेज में रिलीजन आया रिलीजन कैसे आया लोगों को यह पता चलना स्टार्ट हो गया दैट दे आर फेयरली हेल्पलेस कि मैजिक उनका काम नहीं कर रहा है मैजिक के लॉज जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं ठीक है तो उनको यह पता लगा कि एक कोई सुपर है जिसको वो नहीं कंटेक्ट कर सकते जिसको वो आ, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते ये सुपर नेचुरल जो है वही नेचर को कंट्रोल करता है और जैसे उसको चलाना होता है नेचर को वैसे वो चलाता है ठीक है तो यहां से आपके पास रिलीजन डेवलप हुआ रिलीजन में खास बात क्या होती है कि रिलीजन में लेट गो का कंसेप्ट होता है कि चीजों को जाने दीजिए कोई बात नहीं अब आपके हाथ में चीजें नहीं है ठीक है रिलीजन का जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि एक जो किस्मत है वो लिख दी गई है ऊपर वाले ने किस्मत लिख दी है आपकी ठीक है रिलीजन का जो मेन कंसेप्ट है वो यही है तो इन्होंने कहा कि देन इट डेवलप्ड रिलीजन जब लोगों को पता चला कि उनके हाथ में नहीं है जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको कहा जाता था रिलीजियस स्पेशलिस्ट और जो प्रीस्ट ठीक है उनको प्रीस्ट कहा, जा, कहा जाने लग गया और उनकी जो एबिलिटीज हैं टू कॉन्टैक्ट द सुपर नेचुरल दे एलिवेट देअर सोशल स्टेटस तो उनका जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ गया ठीक है क्योंकि आप सुपर नेचुरल को कंटेक्ट कर सकते हो उससे पूछताछ कर सकते हो कि क्या होने वाला है आगे अगर इस इस चीज़ को टालना है तो क्या करना चाहिए तो आफ्टर देयर डेथ क्योंकि उनका जो प्रस्तीज है उनकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा दे इट ग्रेजुअली इनक्रीज सो आफ्टर देयर डेथ दे बिकेम द डिवाइन किंग्स तो वो डिवाइन किंग्स बन गए ठीक है और जो उनकी सोल्स थी उनकी जो आत्माएं थी उनको गॉड का दर्जा दिया गया ठीक है सो देअर सोल्स दे रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ गॉड ओके देन द थर्ड स्टेज फिर तीसरी स्टेज के ऊपर क्या होता है फाइनली इंसान को इंसान की दोबारा से जो ये चेष्टा थी दबी हुई जो चाहत थी कि वो चीजों को कंट्रोल करें वो दोबारा से उत्पन्न हुई ठीक है क्योंकि हम नहीं चाहते हम ऐसी चीजों के साथ नहीं रह सकते जिन चीजों को हम कंट्रोल ना कर सकें ठीक है इंसान ऐसे नहीं जिंदा रह सकता कि आपके पास हमेशा अनसर्टेनिटी है उस अनसर्टेनिटी की कंडीशन में हमेशा इंसान बहुत ही एंक्शियस रहता है तो इंसान को कुछ चाहिए होता है जिस जिन चीजों को वो कंट्रोल कर सके तो फाइनली आपके पास थर्ड स्टेज में जो ह्यूमन माइंड है इट इज ऑन द हाइएस्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट और वो कुछ रैशनल प्रिंसिपल्स बनाता है जो पिछले प्रिंसिपल्स थे देवर हाईली इेशनल जो कि मैजिक को गवर्न कर रहे थे तो इंसान जो है वो रैशनल प्रिंसिपल्स बनाता है रैशनल प्रिंसिपल्स के आधार के ऊपर आपके पास जो फाइनल स्टेज आती है जो थर्ड स्टेज आती है वो आपके पास साइंस की स्टेज आ जाती है जो कि रैशनल माइंड के ऊपर कॉन्शियस माइंड के ऊपर बनी होती है और माइंड भी हाईएस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर होता है ठीक है सिंस बोथ आर कंसर्न विद कंट्रोलिंग द नेचर दोनों का जो कंसर्न है वो यही है कि नेचर को कैसे कंट्रोल किया जाए बट दोनों के प्रिंसिपल्स अलग अलग हैं एक के प्रिंसिपल इेशनल है दूसरे के प्रिंसिपल हाईली हाईली रैशनल है तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आपके पास मैजिक है इट इज बास्टर्ड सिस्टर ऑफ साइंस वो मतरेई बहन है साइंस की मैजिक जो है वो मतरेई बहन होगी साइंस की ठीक है तो इस तरह से जो आपका थर्ड स्टेज है वो बनता है अब इसका क्रिटिसिज्म सो मरीनोस्की का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है मलिनोस्की ने बहुत क्रिटिसाइज किया है सो सबसे पहली बात मलिनोस्की ने कहा है दैट यू आर दी आम चेयरड एंथ्रोपोलॉजिस्ट आम चेयर्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट मलिनोस्की का एक जो स्कास्टिक वे था आम चेयर का मतलब कि आप आराम से अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाते हो आपको कोई फील्ड वर्क नहीं करना है कोई बाहर नहीं जाना है बाहर लोगों को चिट्ठियाँ भेजते हो उनको ना कोई ट्रेनिंग होती है ना उनको ये पता होता कि डाटा कैसे कलेक्ट करना होता है वो आपको फॉल्स डाटा भेज देते हैं डाटा उनका हाईली हाईली एथनोसेंट्रिक होता है ठीक है एथनोसेंट्रिक का मतलब क्या है ये एथनोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है देखिए पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है <coughs> थोड़ा सा टाइम लगेगा और एथनोसेंट्रिक प्रॉपरली आप समझ जाओगे जब आपके पास जब आपके पास इन्लाइटनमेंट हुई ठीक है यूरोप में ह्यूमनिज्म की थॉट आई ये जब ह्यूमनिज्म की थॉट इनलाइटनमेंट की थॉट रैशनैलिटी की थॉट ये जब सारी थॉट्स आई तो यूरोप को लगा कि हम हाईली हाईली डेवलप्ड हैं जो हमारे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है तो यूरोप ने खुद को हाईली डेवलप्ड कहना स्टार्ट कर दिया और दुनिया को बैकवर्ड कहना बता दिया तो जो एशिया में कंट्रीज थे जो एशियन कल्चर है जो ईस्टर्न कल्चर है उसको वेस्टर्न कल्चर ने बैकवर्ड का बताना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में इनलाइटनमेंट आ चुका था और उस एनलाइटनमेंट की बदौलत आपके पास कुछ साइंटिफिक जो हैं लॉज वो डेवलप हो चुके थे सो विदाउट एनी इंक्वायरी ऑफ द ईस्ट ईस्ट को जाने के जानने के बगैर वेस्ट ने ईस्ट को बैकवर्ड कहना स्टार्ट कर दिया यह होता है एथनोसेंट्रिज्म कि जब आप अपनी कल्चर को Best बचा बताना स्टार्ट कर दो जैसे वेस्टर्न कल्चर ने किया आफ्टर एनलाइटनमेंट ठीक है तो बाकी कल्चर जो है वो बैकवर्ड बन जाती हैं और आप उनको उसी प्रेजेटाइज के साथ उसी अंडरस्टैंडिंग uh, के साथ ट्रीट करते हो ठीक है देन मलिनोस की सेड दैट नो प्रमेटिव मैन दे आर ऑल्सो रैशनल जेम्स फ्रेजर ने क्या कहा है कि जो प्रमेटिव लोग हैं वो इेशनल हैं इेशनल प्रिंसिपल्स के ऊपर चलते हैं उनकी जो माइंड की कैपेबिलिटी है वो इतनी नहीं है ठीक है जेम्स फ्रेजर क्या कहते हैं कि थर्ड स्टेज के ऊपर सिविलाइजेशन के ऊपर जाके जो इंसान की दमा दिमागी कैपेबिलिटी है वो हाईली डेवलप्ड होती है वो बढ़ती है ठीक है लेकिन जो प्रमेटिव लोग हैं मरीनोस्की का मानना था दैट दे आर आल्सो हाईली हाईली रैशनल वो कहता बिल्कुल वो मैजिक के ऊपर मैजिक करते हैं वो मैजिक को परफॉर्म करते हैं मैजिक परफॉर्मेंसेस होती हैं बट आल्सो दे टेक सम रैशनल मेजर्स आल्सो ठीक है जो ट्रोबरी एंड आइलैंडर्स हैं वो रैशनल मेजर्स भी लेते हैं मैजिक पर मैजिकवेलेंट है ठीक है बट आल्सो दे कैरी आउट द रैशनल टास्क टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड और जो मैजिक होता है दे रिलीव देम फ्रॉम दी मेंटल एंगजाइटी क्योंकि ट्रोबरी एंड लेंड, आइलैंड आइलैंड्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखें इट इज़ इन द पैसिफिक ओशियन वहाँ पे जो क्लाइमेट है जो उनकी इकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है वहाँ पे पता नहीं चलता कि कब आपके पास बारिश पड़ जाएगी कब आपकी जो क्रॉप है वो खराब हो जाएगी तो मेंटल एंग्जाइटी को रिलीव करने के लिए दे यूज़ मैजिक मैजिक का वहाँ पे एक फंक्शन है उनके कल्चर में देयर फोर मैजिक इज इज़ एग्जिस्टिंग ठीक है सो मलिनोस की सेड कि जो आपके पास डाटा आया था इट इज हाईली एथनोसेंट्रिक ठीक है और ऐसा नहीं है कि प्रमिटिव लोग इर होते हैं दे आर ऑल्सो रैशनल वो भी रैशनल होते हैं ठीक है और वहां उस चीजों को उन्होंने प्रूव कर दिया वाया फील्ड वर्क ओके इथनोग्राफिक रियलिटी इन द इथेनोग्राफिक रियलिटी मैजिक साइंस एंड रिलीजन दे ऑल्सो को एग्जिस्ट ठीक है फॉर एग्जाम्पल लेट से टेक द केस कि जब आपके पास रफेल यहां पर आए थे या फिर रफेल को टेक टेक ऑफ करवाना था तो वहां पर भी कुछ आपके पास रिलीजियस सेरेमनीज की गई ठीक है और उसके बाद नारियल फोड़ना ये वो ये जो सारी सेरेमनीज हैं इनका अगर आप ओरिजिन देखें, इट इज इन मैजिक ओनली वो मैजिक में ही है ठीक है ओके तो ये जो सारी चीजें हैं दे को एग्जिस्ट ये को एग्जिस्ट करती हैं ओके मैजिक रिलीजन और साइंस ये को एग्जिस्ट करती हैं एथनोग्राफिक रियलिटी में लेकिन आपके पास फ्रेजर ने क्या कहा फ्रेजर ने कहा कि पहले क्या आता है मैजिक आता है देन रिलीजन आता है रिलीजन खत्म हो जाता है यानी कि रिलीजन में लोगों का बिलीफ कम हो जाता है फिर उसके बाद आपके पास साइंस आ जाती है ठीक है लेकिन एथनोग्राफिक ethnographic, एथनोग्राफिकली अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है ओके सो इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी एंड इफ यू वॉन्ट टू डाउनलोड दिस मटीरियल ये जो आपके आपको अगर मटीरियल चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए कोई भी यहाँ पे वीडियो डाली जाती है टेलीग्राम में उस चीज़ का कंटेंट डाला जाएगा ठीक है सो डू डाउनलोड दैट फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल लिंक थैंक यू वेरी मच